नर्मदा तट पर स्थित ग्राम चिखलदा जो कि सरदार सरोवर बांध से जो प्रभावित है, चिखलदा में कुल 1070 परिवारों को डूब में लिया गया है, जिसमें से 45 परिवारों को नर्मदा नगर में प्लाट दिया है तथा 5 परिवार को चिखलदा बसावट में जो कि मजबूरन में घर बना रहे हैं। पैसा जो मिला था वो हमको मिला 2002 में, वो भी नीब के बराबर मिला, कोई को 40,000 कोई को 50,000। उस वो पैसा भी छापी के दूर हो गया, वो तो रेन नहीं रहा, मतलब 2002 में मिला, आज 15 साल हो रहे उस पैसे को। आज टाइम में पैसा गरीब लोगों के पास है नहीं, वो मकान बनाए तो कैसे बनाए। कोई ये प्लाट कब आवंटित किया था? ये प्लाट का हो गया आज से 10 साल। 10 साल पहले? तब यहाँ पे क्यों नहीं आए 10 साल पहले? 10 साल पहले आए थे, आने की कोशिश करी भाई कि यहाँ क्या है कि हमको जगह सूट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ नहीं मकान बनाया। और आयदन भी लगाया हमने प्लाट चेंज करने को लिए, तो नहीं हुआ चेंज, बोले कि वहीं जाना पड़ेगा। जगह क्यों नहीं सूट हो रही थी? जगह हमको ये दलदला आ रहा था, इसलिए हमने मना करा था। यहाँ पर देखो कि पूरी झाड़ी है, बसने वाले कैसे बसेंगे? न तो विद्युत लाइन का कोई ठिकाना है, और न किसी प्रकार की कोई सुविधा है, न पानी की सुविधा है। चार मकान बनाने वाले हैं, उनको पानी की इतनी किल्लत पड़ रही है, सिर पे उठा के वो ट्यूब से हेडपम्प से खींच खींच के वो मकान बना रहे हैं। न तो इसकी कोई सुविधा है, न बसने वाले कैसे बसे। यहाँ बसाव की स्कूल है जी, स्कूल की क्या स्थिति अभी? बस देख लो ये आपके सब सब टपक रहे हैं, और बच्चे कहाँ जाएंगे अभी, तो कभी समझ ना कभी गिर सकती है ये, मतलब स्कूल की हालत खराब है। नहीं बस स्थापित को 6 माह पहले नोटिस देना था, जिससे कि वो 6 माह के अंदर अपना घर तथा अपना जीवन यापन व्यवस्थित कर सके, उसके बाद ही उसको मूल गांव से हटाना था। लेकिन यह न करते हुए उससे पहले विस्थापितों को जबरदस्ती घर नहीं गांव नहीं करवा खाली करवा सकते हैं। लेकिन यहां मध्य प्रदेश शासन तथा जिला प्रशासन लोगों को डरा धमका कर हटाने की कोशिश की जा रही है, और लोगों को जबरदस्ती जो 31 जुलाई को हटाने की उनकी तैयारी थी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी सुनवाई वो सुनवाई में 8 तारीख दी गई है, लेकिन प्रशासन आज भी लोगों को धमका रहा है, आज भी उनको नोटिस दे रहा है, और ये कह रहा है कि आपको 3 दिन में खाली करना पड़ेगा, किसी को 24 घंटे में खाली करना पड़ेगा। अगर ये लोग 3 शेड में क्यों जाए, क्योंकि पुनर्नीतिकरण था इनको, स्थायी पुनर्आदर्श पुनर्वास होना था, जबकि इनको 3 शेड में धकेला जा रहा है या इनको अन्य जगह धकेला जा रहा है, जो नीति के खिलाफ है। हमारा उपवास चल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में का सम्मान करते हैं, वो 8 तारीख को सुनवाई होगी, लोगों को न्याय मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। और हम लाल सिंह आर्य जो मंत्री है, नर्मदा घाटी विकास मंत्री, घाटी विकास प्राधिकरण का मंत्री जो बोल रहा है हर रोज टीवी और अखबारों में कि लोगों का पुनर्वास हो गया और लोग खरगोन और अलीराजपुर के लोगों को खाली कर दिए गए, और लोग अपनी मर्जी से खाली करें ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग खाली करे या नहीं करे इसका पता तो तब लगेगा जब ये लोग बगैर पुनर्वास के लोगों को डुबाएंगे हटाएंगे, तब इनको पता चलेगा। मैं चाहता हूँ कि चिखलदा के विस्थापितों को पहले उनको बसावट में संपूर्ण मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराकर उनको वहाँ से हटा जाए। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप भी हमारी मदद करें। धार जिले के कलेक्टर श्री मन शुक्ला, जिनका मोबाइल नंबर है 9425790303, पर कॉल कर दबाव बनाए, जिससे कि विस्थापितों को जबरदस्ती न हटाकर उन्हें संपूर्ण अधिकारों के साथ मूलभूत सुविधाओं के साथ बसाया जाए। मैं पवन सोलंकी, ग्राम चिखलदा, जिला धार, मध्य प्रदेश से इंडिया नेट के लिए।